आध्यात्मिक क्षेत्र में अवनति से बचे रहने के लिए और निरंतर प्रगति करने के लिए अनुशासित रहना अत्यावश्यक होता है। अनुशासन का महत्व लोक में भी उतना ही होता है जितना कि आध्यात्म में होता है। अनुशासन विहीन, नियम विहीन, व्रत रहित जीवन कभी भी उन्नत नहीं हो पाता है। इस कारण से उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, पतन से बचने के लिए अपने को सदैव अनुशासित रखने का प्रयास करना चाहिए। तीन प्रकार के अनुशासन होते हैं। सबसे जो बड़ा अनुशासन होता है वो केवल योगी व्यक्ति के लिए होता है, जो कि ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को सदैव चलाता है। जिसके चित्त में क्लेश का कोई प्रभाव नहीं होता है, जो कभी राग द्वेष से बाधित नहीं होता है, आलस्य प्रमाद आदि से जो कभी अभिभूत नहीं होता है, ज्ञान विवेक से सदा जो युक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं को अपने आप अनुशासन में रखता है और स्वयं अनुशासित रहने में वो समर्थ होता है। उसको किसी अन्य व्यक्ति के अनुशासन की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति को और किसी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, सीधे वो ईश्वर से प्रेरणा लेता रहता है। अज्ञान से कहीं भले यम नियम आदि का उससे हनन हो जाए, अन्यथा वो बुद्धिपूर्वक ऐसा कभी नहीं करता है। कोई भी अनुचित, अधर्म, अन्याय, पाप, ऐसा कर्म वो ज्ञानपूर्वक कभी नहीं करता है। इस कारण से ऐसे व्यक्ति के लिए और किसी के अनुशासन की अपेक्षा नहीं रहती। दूसरे स्तर का जो अनुशासन होता है, जिसके अभिराग द्वेष पूरी तरह से समाप्त नहीं रहते, जिसको अभी ईश्वर का सानिध्य उपलब्ध नहीं हुआ है, सीधे सीधे जो ईश्वर को गुरु नहीं बना पाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, शास्त्र के आधार पर विशेष नियम को, व्रत को लेकर के स्वयं में बिना किसी की प्रेरणा के वो चलता रहता है। शास्त्रों के साथ सदैव अपने आचरण की तुलना करते रहता है। आत्मनिरीक्षण, निधिध्यासन के माध्यम से अपनी त्रुटियों को देखता हुआ, जानता हुआ उसे दूर करने में सतत प्रयत्नशील रहता है। अपने जीवन को पूरी तरह से शास्त्रों के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल चलाने के लिए स्वयं तत्पर रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भी जानबूझ करके कोई आलस्य, प्रमाद, पाप नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में भी उसके जीवन के पतन की संभावना नहीं रहती है। वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसकी भी सतत उन्नति होती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों प्रकार की पात्रताओं से अभी रहित है, जिसका कि ईश्वर के साथ भी सीधा संबंध नहीं है, ऋषियों के प्रति भी जिसकी पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, आस्था नहीं है, शब्द प्रमाण पर जिसको अभी पूर्ण विश्वास नहीं है,
ऐसा व्यक्ति स्वयं को अपने आप अनुशासित नहीं रख सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी जीवित गुरु, आचार्य, संरक्षक, पिता आदि कोई भी महानुभाव की अपेक्षा होती है और वो उनके आदेश निर्देश के अनुसार अपने अपना जीवन सुव्यवस्थित रूप में चलाते रहता है। ऐसे व्यक्ति की भी निरंतर उन्नति प्रगति होती चली जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति का जो अनुशासन होता है बहुत अधिक क्लिष्ट होता है। यद्यपि जो अति श्रद्धालु होता है, विनम्र होता है, बुद्धिमान होता है और पूरी तरह से समर्पित यदि होता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी के अनुशासन में रहने में कोई बाधा नहीं होती। लेकिन जिसका समर्पण भी कम होता है, ज्ञान भी उसके पास उतना अधिक नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुनः किसी के अनुशासन में रहना बहुत अधिक क्लिष्ट होता है। उसकी दिन रात जो होती है चमड़ी एक प्रकार से जलती रहती है। उसी के लिए कहा गया है सेवा धर्म परम गहन, योगी नाम अपि अगम्य कहा है इसे। यानी जिसके प्रति श्रद्धा भी नहीं है, जिसकी बात समझ में भी नहीं आती है, ऐसे व्यक्ति की बात मान कर के चलना अत्यंत असह्य होता है, सहन नहीं होता है। दोनों के जो होते हैं संस्कारों में बहुत अंतर होता है। ऐसी स्थिति में प्रायः विरोध की स्थितियां बनती रहती हैं। व्यक्ति को लगता है कि शायद ये मुझे पशु समझता है, दिन रात डंडे से बात करता है, क्योंकि उसकी बातें अभी उसे समझ में नहीं आती है, कहाँ उचित है कहाँ अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में स्वयं वो निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता है। इस कारण से उसका जो निर्णय होता है वो प्रायः स्वाभाविक होता है, स्वच्छंदता वाला होता है, लेकिन अनुशासन में रहने के कारण अब उसे इसके विपरीत चलना पड़ता है। इस कारण से पदे पदे उसको जो भी अपना अनुशासक संरक्षक होता है उसके प्रति भी संशय होता रहता है, पता नहीं हमको ये क्यों बाधित करता रहता है, दुखी करता रहता है, इसके मन में क्या है, हमको केवल तंग करने के लिए, बाधित करने के लिए या अपना दिखाने के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता रहता है, इस प्रकार के उसके मन में वितर्क उठते रहते हैं। योगाभ्यास के अंतर्गत भी ये तो लौकिक स्थितियों में होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यक्ति की यदि गुरु के प्रति कोई श्रद्धा निष्ठा नहीं है तो उसके अनुशासन में चलना उसके लिए भी बहुत क्लिष्ट असह्य हो जाता है। लेकिन यहाँ और कोई उपाय होता नहीं है। लौकिक क्षेत्र में तो जैसे तैसे हम अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पाता है। यहाँ यदि हम अपनी बुद्धि से चलने का प्रयास करते हैं, स्वतंत्र होकर के चलने का प्रयास करते हैं, तो अधिकतम ये होता है कि हम अपने मार्ग से च्युत होते हैं। कालांतर में प्रायः भटकने वाली स्थिति बन जाती है।
इस कारण से आध्यात्मिक मार्ग में कहा गया है पहले गुरु का चयन कर लेना चाहिए। यदि यहाँ ठीक गुरु नहीं मिला तो समय बहुत अधिक व्यर्थ जाता है। अगर गुरु में ही सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है, वो बता ही नहीं सकता, तो फिर उसको गुरु मानने की जरूरत नहीं है। जब दिख रहा है कि हमारे योग्य है नहीं है, इससे हमें कुछ मिलना नहीं है, तो फिर भी अगर कोई रह रहा है तो इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ और होगा ही, व्यवस्था के कारण से है या और कुछ इधर उधर वो करना चाहता है, कोई न कोई उसके मन में ही छिद्र रह जाता है। इस कारण से वो उसके पास श्रद्धा विहीन व्यक्ति के पास कोई अगर रह रहा है तो निश्चय से उसके मन में कोई न कोई कपट है। या तो उसको लगना चाहिए कि भाई हमारा प्रयोजन इससे पूरा होगा, लेकिन ये दिख नहीं रहा है कि इससे हमारा प्रयोजन होगा, तो उसके निकट रहने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, परस्पर ही विद्वेष की स्थिति बनती है। यदि हमको अपने अनुशासक के प्रति समर्पण नहीं है, विद्वेष की स्थिति है, तो क्या होगा, कोई भी दिनचर्या है, पठन पाठन है, कहीं भी शांति की स्थिति नहीं रहेगी, अशांत रहेंगे, हम दुखी रहेंगे, निराश रहेंगे, बाधित रहेंगे, हताश होते रहेंगे। और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि आंतरिक रूप में वो व्यक्ति बहुत अधिक संदिग्ध हो जाता है। यदि हमें किसी विरुद्ध व्यक्ति के पास और बलवान व्यक्ति के पास रहना होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम उसके पास रह रहे हैं और आंतरिक रूप से हम निश्चिंत भी रह जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीधे सीधे प्रतिकार भी नहीं कर सकते और सीधे सीधे उसकी मान भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में फिर होता है कि बाह्य रूप से विरोध भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में अब छल कपट का ही अवसर वहाँ होता है, बिना छल कपट किए फिर नहीं रह सकते। इस कारण से ये दोष पुनः अपने आप आ जाते हैं। इस कारण से व्यक्ति या गुरु या तो योग्य रहना चाहिए मन में कि है इसमें, और यदि उसमें दिखता है कि हमारा प्रयोजन ये पूरा करेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर उसके प्रति हार्दिक रूप से यानी आंतरिक रूप से भी समर्पित रहना चाहिए, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी जो कष्ट है, बाधा है, दुख है, उसको बताना चाहिए। यदि हम नहीं बताते हैं तो भी क्या होता है, आंतरिक रूप में हमारे अंदर वितर्क बनते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन अगर सामने वाले जो समाधान कर सकता है, जिसके पास अधिकार है, साधन है, उसको यदि पता नहीं चलेगा तो वो सहयोग करेगा कहाँ से। तो ऐसी स्थिति में भी होता है कि अगर हम उसके प्रति है ही नहीं विनम्र, उसके प्रति समर्पित नहीं है, तो प्रायः साहस भी नहीं होता है उससे हम कोई निवेदन करें, उसको हम कुछ कहें, ऐसा साहस नहीं जुटा पाते। तो इसका दुष्परिणाम फिर क्या होता है कि मन में द्वेष की स्थिति बनती चली जाती है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, फिर वो अंदर से क्षुब्ध होता रहता है दूसरों के प्रति। फिर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति प्रायः संकीर्ण होता जाता है, उसके अंदर उदारता नहीं आ पाती है, अपने से बड़े से दब करके रह रहा है, उसके प्रति वो चुपचाप एक तरह से टाल रहा है, निभा रहा है उसका। तो ऐसी स्थिति में वो मन से प्रसन्न तो रहेगा नहीं, खिन्न ही रहेगा, तो वो खिन्नता के संस्कार उसके बनते जाते हैं और उसका परिणाम बाहर होता है कि वो बहुत अधिक यानी कि किसी के प्रति अंधार होता है, व्यक्ति धीरे धीरे वही स्वार्थी हो जाता है,
जैसे तैसे उसे अपना काम पूरा हो जाए इतनी दिखने लगता है। दूसरे के प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए, जो अहिंसा की भावना, निहित की, परोपकार की, सहयोग की जो एक उदार स्थिति होनी चाहिए, वो उसमें नहीं आ पाती है। लेकिन हमको यदि बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, उनके साथ अनुकूलता रहती है, तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, फिर हमारे अंदर प्रसन्नता रहती है, भीतर से हम प्रसन्न होते हैं, निश्चिंत होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर प्रसन्नता जितनी जितनी चित्त के अंदर होगी, उसमें उदारता भी बढ़ती जाती है। जितनी चित्त में कम प्रसन्नता होगी, उतनी संकीर्णता आएगी, क्षोभ आएगा, स्वार्थ आएगा। तो ये सारे के सारे जो दोष होते हैं, वस्तुतः समर्पण के अभाव में होते हैं। हाँ, यदि ऊपर का व्यक्ति है, गुरु आचार्य आदि, यदि वही अनुदार है, उसी में योग्यता नहीं है, तो अब ये व्यक्ति तो ठीक है कि उसको जो चाहता है, उसकी जो अपेक्षा है, वैसा उसको होने नहीं देगा, करेगा नहीं। उस स्थिति में भी विद्वेष की स्थिति आती है, उसके लिए निदान होता है कि फिर उसको छोड़ देना चाहिए। व्यर्थ में बाधित होते रहना, अंदर से क्लेशित होते रहना, ये नियम नहीं होता है शास्त्र का। इसलिए उचित होता है कि पहले से ये सुनिश्चित रहना चाहिए कि इस योग्य व्यक्ति के निकट हम हैं, और अगर पहले से हो गया है कि इसमें योग्यता है, तो अब उसके प्रति समर्पित रहने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हम सामने वाले के प्रति, बड़े के प्रति जितना विनम्र रहते हैं, समर्पित रहते हैं, उसके लिए कहा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशोबलम्। यानी जो विनम्र होता है, अभिवादनशील होता है, उसके स्वाभाविक रूप से आयु, बल, विद्या और यश बढ़ते जाते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर बड़ों के प्रति वो विनम्र नहीं है, उनमें शालीनता नहीं है, सरलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो अब वो छली कपटी होगा, और छली कपटी होगा तो शुद्ध भी रहेगा, संकीर्ण भी होगा, दूसरों का उपकार कम से कम करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो अपने स्वार्थ को सिद्धि की दृष्टि से करेगा। तो इस कारण से अगर, क्योंकि बड़ों से हमारा जब विरोध होता है, तो प्रायः क्या होता है, फिर हम अंदर से अव्यवस्थित हो जाते हैं, फिर हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करने लगती, क्योंकि पूरे पूरे उसका हम विरोध भी नहीं कर सकते, और पूरी पूरी अनुकूलता भी नहीं रहती है। तो इस कारण से किसी भी कार्य में, क्षेत्र में निर्णय लेना नहीं हो पाता है। तो अनिर्णित होने के कारण से फिर संशय की स्थितियाँ निरंतर बनती चली जाती है। तो ऐसे ऐसे कई दोष आते रहते हैं, और यदि हम सीधे सीधे समर्पित, अनुशासित हो जाते हैं, तो अब हमको अपनी जो बाधा होती है, बताने में कोई बाधा नहीं रहती है। वो भी अगर पात्र होता है, तो हमारी बाधाओं के लिए पहले से रहता है तैयार, जितनी सामर्थ्य होती है उसके पास, वो दूर तो करता ही करता है। तो ऐसी स्थिति में एक संतोष की स्थिति मन में आती रहती है, और निश्चिंत होकर के हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे ऊपर अगर कोई हमारा दायित्व ले लेता है, तो वैसे भी निश्चिंता रहती है। हम स्वयं अपना दायित्व लेकर के चले और साधन का अभाव होता है, ऐसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं जिसके कि अनुभव भी नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, चित्त हमारा शांत नहीं होता है, चंचल रहता है। तो अशांत, असंचल चित्त, संचल चित्त से हम फिर कोई तात्विक निर्णय नहीं ले पाते। जो नया सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान उठना चाहिए, वो चंचल अवस्था में उठता ही नहीं है। इस कारण से हृदय को, मन को शांत प्रसन्न रखने के लिए हमें ऊपर से निश्चिंतता चाहिए। ऊपर वाले अगर हमारे अनुकूल होते हैं,
निश्चय से हमारे लिए पहले से वो व्यवस्था बाहरी व्यवस्थाएं भी करते रहते हैं। जितना अधिक होता है हमारे सामने जो भी आपत्ति आने वाली है, जो भी न्यूनता आने वाली है, उसका समाधान वो पहले से सोचते रहते हैं, आगे बढ़ के वो करते रहते हैं। लेकिन हम अजी यदि उनके प्रति नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, श्रद्धान्वित नहीं है, तो वो भी हमारे पर ध्यान नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, जो चलने दो, जैसा होता है चलेगा। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, चाहे अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अब हमारे किसी भी कार्य का वो अनुमोदन नहीं करते। और बड़ा व्यक्ति अगर हमारे कार्य का अनुमोदन नहीं करेगा तो निश्चय से फिर क्या होता है, हम गलत निर्णय लेने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे दोष मतलब ये भीतर होते रहते हैं, और ये सारी स्थितियाँ उसी उद्दंडता के कारण से होती है, स्वच्छंदता के कारण से होती है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं या अच्छे लोग हुए हैं, उनका अपने चाहे माता पिता रहे हों, गुरु आचार्य रहे हों, उनके साथ विरोध की स्थिति नहीं रही है। हो सकता है माता पिता से अगर रहा हो तो कम से कम गुरु के प्रति फिर वो समर्पित होता है। जिसके गुरु ठीक नहीं मिले लेकिन माता पिता अगर उसके अच्छे रहते हैं तो वहाँ से उसको संस्कार मिल जाते हैं। नहीं, कोई भी महापुरुष यदि बना है तो निश्चय से किसी न किसी के प्रति उसको समर्पित रहना पड़ा है। चाहे वो भले ही शास्त्रों का लिया हो, ऋषियों का लिया हो, ईश्वर का लिया हो, या अधिक से अधिक होता है किसी जीवित व्यक्ति का हमको अगर प्रश्रय मिल जाता है तो सबसे अनुकूल वही रहता है। अपने आप किसी भी मार्ग में या कहीं पर भी रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारी योग्यता पूरी नहीं हो जाती, जब तक कि हमारा निर्माण नहीं हो जाता है, जब तक हमारे उद्देश्य या अभिष्ट पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक स्वतंत्र चलने की भावना उचित नहीं होती है। अकेले रह करके, अकेले चल के अपने इच्छा अनुसार चलने की जो भावना अनिर्मित काल में होती है वो अपने लिए ही बाधक होती है। यदि उस काल में हम स्वच्छंद स्वतंत्र रहने का प्रयास करते हैं और अपने प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं तो निश्चय से प्रयोजन पूरा होने के बाद हमारे अंदर उदारता नहीं रहेगी, योग्यता का फिर हम आगे दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि वो विवेक वाली स्थिति नहीं रहेगी। उसी के लिए कहा है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एक कमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यानी जिसके पास केवल एक विवेक नहीं होता है, उसके पास यदि धन संपत्ति है पर्याप्त, यौवन है, उसके शारीरिक सामर्थ्य उसके पास है, और प्रभुत्व है, लोगों में उसका यदि प्रभाव है, तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, उसके अनर्थ के लिए हो जाते हैं केवल विवेक के अभाव में। और यदि ये तीनों गुण हैं उसके पास और विवेक है साथ में, वो सबसे बड़ा मतलब महान व्यक्ति वही होता है। इस कारण से विवेक का जो भाव होता है हमें शास्त्रों से ही, ऋषियों से ही, गुरुओं से ही पारंपरिक रूप में हमें उपलब्ध होती है। अपने आप यदि हम चलने का प्रयास करते हैं तो विवेक हमारे पास होता नहीं है। अविद्या स्वभावतः हमारे चित्त में होती होती है, इस कारण से प्रायः उचित अनुचित का हम नहीं कर सकते, निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो तप, जीवन में तप होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, दूसरों के प्रति जो दया की भावना होनी चाहिए, ये सब चीज़ें तब तक नहीं आती है जब तक हम बलात् इनका अभ्यास नहीं किए होते। तब हमारे अंदर स्वेच्छा स्वच्छंदता से नहीं आ सकता है। तब हम जब तभी करते हैं जब किसी न किसी रूप से बाधित होते हैं, बंधे हुए होते हैं, किसी न किसी नियम का उल्लंघन ना करने की प्रतिज्ञा किए हुए होते हैं, या फिर कोई हमें बलपूर्वक उसमें चला रहा होता है, तो ऐसी ही परिस्थितियों में हम तप को कर पाते हैं। स्वतंत्रता से हम तप यदि करते हैं तो उसका फिर कोई मूल्य रहता नहीं है,
क्योंकि अवसर आते ही हम उसको तोड़ देते हैं, कोई वो नहीं होता आवश्यक। तो इस कारण से हमारे जीवन में जो तप आएगा वो भी तभी आएगा जब हम किसी न किसी के अधीन हैं, किसी न किसी के प्रति हम समर्पित हैं, उसी के द्वारा हमारे जीवन में तप का अभ्यास हो पाता है। जितना जितना हम ये असह्य स्थितियों को सहन करते जाते हैं उतनी उतनी हमारी योग्यता बनती जाती है। जितना भी हमने किसी की अधीनता स्वीकार की है, उसके अनुकूल विरुद्ध चलने का प्रयास जो किया है अपने, वही क्या होती है कालांतर में हमको योग्य बनाती स्थितियाँ। हमारे जीवन में जो धैर्य आता है, सहन शक्ति आती है, वो तभी आती है जब हम पीछे से इसका हमने पर्याप्त अभ्यास किया हुआ है। अपने आप धैर्य नहीं आता है, अपने आप सहन शक्ति नहीं आती है, अपने आप जो दया की भावना होती है वो नहीं आती है। ये सारे ही जो गुण होते हैं वो किसी न किसी के दबाव के कारण हमारे अंदर आते हैं, किसी के नीचे रह करके ही हम इनका अभ्यास, क्योंकि चाहते हैं नहीं, ऐसा स्वभाव हमारा होता नहीं है, इसलिए हम अपने आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरे के प्रति अगर हम समर्पित रहते हैं तो न चाहते हुए फिर इस परिस्थिति से हमको आगे बढ़ना होता है, तो अपने आप हमारे जीवन में ये तप त्याग आदि सहन शक्तियाँ आ जाती हैं। और ऐसा ही व्यक्ति जो किसी के अधीन रहा है, अनुशासन में रहा है, नियम विशेष का पालन किया है, वही व्यक्ति फिर योग्य बनता है, वही फिर दूसरों के लिए विश्वसनीय भी होता है, वही समय पर अवसर पर दृढ़ भी रहता है, वही व्यक्ति संघर्ष का सामना भी करता है। तो इन सभी गुणों के लिए हमें एक जो उपाय होता है कि हम अपने आप को अनुशासित रखें। अगर हमारे पास ईश्वर सानिध्य है तो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति रहने की अपेक्षा नहीं होगी, लेकिन ईश्वर का सीधे सीधे हमारा सानिध्य नहीं है तो हमें किसी न किसी ऋषि को आदर्श बना के चलना चाहिए, उसके नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। लेकिन ऋषियों के प्रति भी हमारी अगर इतनी नहीं है, समझ नहीं है, आस्था नहीं है, किसी न किसी फिर जीवित गुरु आचार्य के निर्देश को स्वीकार करना चाहिए। तो इस रूप में यदि हम चलते हैं तो हमारे जीवन में पतन की जो संभावना होती है वो नहीं के बराबर होती है, और हमारा जीवन सरलता से समय पर विकसित हो जाता है या सफल हो जाता है। तो योगाभ्यास के अंतर्गत भी इस प्रकार से अपने को अधिक से अधिक अनुशासित रखने का प्रयास करना चाहिए, जो भी नियम होते हैं, निर्देश होते हैं शास्त्र के, स्वयं उस पर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए, इससे हमारा जीवन निश्चिंत निर्द्वंद होता है।